देखिए 10 नंबर, ये इसके बराबर है प्रूव करना। पहले एलएचएस लेते हैं, दोनों लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर है। एक काम करते हैं, अंदर साइन कॉस में बदलते हैं, 1 माइनस sin A बटा में cos A और नीचे 1 बटा cos A माइनस sin A, 1 माइनस cos A बटा sin A का होल स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लो। ऊपर एलसीएम होगा कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे हो जाएगा साइन एलसीएम, यहां आ जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। क्लियर है? अब पलट देते हैं अंदर, तो हो जाएगा यहां पे कॉस ए माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए इंटू साइन ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए। समझ गए? पलट दिया मैंने इसका होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। समझे ना? प्लस वाला माइनस में चला गया और माइनस वाला प्लस में आ गया। देखो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, और नीचे आपका कॉस ए है, ताकि कट सके इसलिए मैंने किया साइन ए बटा में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये इसे कट जाएगा, देखिए माइनस साइन ए बटा कॉस ए माइनस टेन ए हो जाएगा, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यही अब देखिए आरएचएस लो, आरएचएस इसको लो, आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस दोनों से लाना होगा। क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए sec स्क्वायर है, और बटा में यह cosec हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए। ठीक है? अब देखिए वो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर है, और वो नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर है, यानी कि ये भी टेन स्क्वायर है। तो एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं हो गया, एल एच एस बराबर में आर एच एस। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है इससे, समझ गए ना? चलिए, नहीं तो एक और काम कर सकते थे हम लोग, इससे भी ला सकते थे, ये टेन स्क्वायर हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, आर एच एस अगर नहीं लेना चाहते थे तो इसे साइन स्क्वायर है और बटा में, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा उस तरह से लोगे तो, है ना? इसी तरह से रहने दो, एल एच एस से ना लेकर दोनों से बना दो, ठीक रहेगा इस तरह। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला।